बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला कुर्ब क़यामत में हमारे ईमानों का इम्तिहान ले रहे हैं। ये तो मामूली इम्तिहान है, अभी तो दज्जाल अकबर का इम्तिहान आने वाला है। अगर इस छोटे इम्तिहान में हम फेल होना शुरू हो गए तो दज्जाल अकबर जब आएगा तो हमारा क्या बनेगा। हदीस में आता दज्जाल जब आएगा तो सब लोग साथ लग जाएंगे, सब इक्का दुक्का मोमिन ईमान मजबूत वाले बचेंगे। आज एक बार गौर कर लें हम कितने मजबूत ईमान वाले हैं। हमने तो जुमे छोटे से कोरोना वायरस पे जुमा बंद कर दिया, जबकि एक वहमी बात है कि पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा है इस बात पे। और अगर दज्जाल अकबर निकला तो क्या बनेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला आपके ईमानों का इम्तिहान ले, ईमानों को मजबूत रखो। दज्जाल अकबर आ गया तो हमारा क्या बनेगा। अभी तो मामूली सा एक जसूमा आया है तो हमारी हालत ये कि हमने जुमे की नमाज एक पोस्टपोन कर दी और ये कह के कर दी, और जी गवर्नमेंट ने कह दिया ये कह के कर दी, अजी अजी वो खतरा है बीमारी लग सकती है। अल्लाह के बंदे अल्लाह की नमाज पढ़ते हुए अगर लग गई बीमारी तो इससे बढ़ इनायत और क्या है। समझो कि अल्लाह हम शहीद होकर तेरे पास आएंगे, हमारा मकसद तो तेरे पास राजी करना है, और अगर इस तरीके से राजी करने का मौका मिल गया तो इससे बड़ी सआदत क्या है। तो आप ये अकीदा रख के जब चलेंगे तो अल्लाह ऐसे को प्यार से देखते कि देखो मजा आ गया ना, अपने आप को कैसे बेरसपुर्द किया। और नबी की तरह नबी ने जैसे कहा अल्लाह, सारे असबाब हलाकत के मौजूद लेकिन नबी कह अल्लाह, बचाने वाला कौन, अल्लाह। बस आप ये सोचें सारे असबाब आज कोरोना वायरस की वजह से हलाकत के मौजूद लेकिन बचाने वाला कौन, अल्लाह अल्लाह। बस ये कह के निकलो और यही इसी कॉल के मस्ती के अंदर फिरते रहो। खुदा की कसम कोई कोरोना वायरस तुम्हारे करीब आने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी आगोश में तुम्हें ले लेंगे तो किसी की मजाल नहीं कि वो आपको गजन पहुंचा सके।